प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिए हर गरीब को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। पूरी दुनिया में इतनी बड़ी महामारी आई है, पूरी दुनिया में, लेकिन भाइयों बहनों, मैंने कभी मेरे गरीब परिवार को भूखा सोने नहीं दिया है। गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे, इसके लिए दिन रात काम किया है। भाइयों बहनों, ये बातें टीवी में आती हो या ना आती हो, अखबार में छपती हो या न छपती हो, लेकिन जब सच्चे मन से पवित्र संकल्प के साथ सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव से जब काम करते हैं ना, तो गरीब के दिलों में जगह बन जाती है। मैं कल ये सोशल मीडिया में एक वीडियो देख रहा था और मेरा मन करता है वो मैं आज बात बताऊं। मैंने क्या देखा बताऊं ना, बताऊं ना। मैं चाहता हूं कि मैं आपके सामने, खास करके मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों के सामने, ये बात मेरे दिल को छू गई, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। उस वीडियो जो मेरे पास पहुंचा, उसमें एक बहुत ही गरीब बुजुर्ग महिला, और मैं देख करके कह सकता हूं शायद उस मां को कभी स्कूल में जाकर के पढ़ाई करने का बहुत सौभाग्य नहीं मिला होगा, ऐसी एक गरीब बुजुर्ग मां एक ऐसे ही आजकल जाते हैं ना टीवी, हमारे ऐसे मित्र सारे, तो ऐसे कोई डंडा लेकर के पहुंच गया इंटरव्यू करने के लिए। वो गरीब मां को तो क्या मालूम, वो आके खड़ा हो गया। उसने ऐसे ही उनको जरा टेढ़े मेढ़े सवाल पूछना शुरू किया। उस गरीब महिला बुजुर्ग मां से पूछा कि आपके यहां चुनाव कब है, और मजा ये है उस मां ने सही तारीख बताई कि फलानी तारीख को हमारे यहां चुनाव है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कह दिया मां ने, ताकि वो आकर के सर खाए नहीं, नया सवाल पूछे नहीं। उन्होंने कहा चुनाव है फलानी तारीख को, और हमने नमक खाया है, हम धोखा नहीं देंगे। एक गरीब बुजुर्ग अनपढ़ मां उस बुजुर्ग महिला से फिर पूछा, किसका नमक खाया है, किसे धोखा नहीं देगी? तो उस मां ने कहा, मोदी का नमक खाया है। वो बुजुर्ग महिला के साथ उनके बुजुर्ग पति भी बैठे थे, उन्होंने भी, उस मां ने जो कहा उनके पति देव ने भी उसको समर्थन दिया, हां में हां मिलाई। फिर उस बुजुर्ग महिला से पूछा गया कि मोदी ने ऐसा क्या किया है? साथियों, इस गरीब बुजुर्ग मां ने उत्तर दिया, ये उत्तर मैं कभी भूल नहीं सकता। उस मां ने कहा, मोदी राशन दो हमें। फिर दोबारा कहा मां ने, मोदी राशन दो हमें। भाई और बहनों, फिर बाद में उस महिला ने बताया, उस मां ने बताया कि कितना राशन उनके परिवार को मुफ्त मिल रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि वो बूढ़ी मां जो कभी मुझे मिली नहीं है, वो मां इतना मुझे आशीर्वाद दे रही है
जब इतनी माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद दे रही हो तो भाइयों बहनों मुझे काम करने का हौसला बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूंगा कि नहीं करूंगा, हर नागरिक के लिए करूंगा कि नहीं करूंगा, माताओं बहनों के लिए करूंगा कि नहीं करूंगा, नौजवान के लिए करूंगा कि नहीं करूंगा। आप जब इतने आशीर्वाद देते हो तो जिंदगी किस काम की मेरे भाइयों बहनों, ये आपके लिए है।